दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट आने के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में अभी काफी बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत से काम आसानी से घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के कई सारे फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से नुकसान भी हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है हैकिंग। हैकिंग के माध्यम से हैकर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर लेते हैं और आपके जीवन भर की कमाई हैकर सिर्फ कुछ मिनटों में ही उड़ा ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चार सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नासा और गूगल को भी हैक कर लिया था। नंबर वन, अल्बर्ट गोंजालेस। अल्बर्ट गोंजालेस का जन्म साल 1981 में कैरिबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। 12 साल की उम्र में अल्बर्ट ने अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। और उसके बाद 2005 से 2007 तक अल्बर्ट ने नेटिजंस के क्रेडिट कार्ड्स की चोरी की। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है, क्योंकि अल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक कर लिया था। नंबर टू, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त साल 1963 में कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का काफी शौक था। केविन को यूएस का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता था। केविन ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर लिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकता था। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क को हैक किया, लेकिन इस हैकिंग में वो पकड़े गए, जिसके बाद केविन को 1988 में 1 साल की सजा दी गई। और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागॉन को भी हैक कर लिया था। नंबर थ्री, गैरी मैकिनन। गैरी मैकिनन का जन्म 10 फरवरी 1966 में स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था। गैरी मैकिनन को एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उसने फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया और बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। ये सब करने के लिए गैरी ने आईएम सोलो नाम इस्तेमाल किया था। गैरी मैकिनन ने वॉशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसे 24 घंटों के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। नंबर फोर, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स ने काफी कम उम्र से ही हैकिंग शुरू कर दी थी। जोनाथन पहला ऐसा हैकर था जिसे साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। जोनाथन को कॉमरेड के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके लिए जोनाथन ने एक स्निफर को इंस्टॉल कर दिया था, जिसके कारण डीटीआरए एम्प्लॉयज के बीच हो रहे सारे मैसेज उसके पास चले जाते थे। और जब 1 साल के बाद जोनाथन पकड़ा गया, तो जेम्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण उसने खुद को गोली मार ली। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।